हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि सबको पता ही है कि एमिवे बंटाई का न्यू सॉन्ग आ चुका है जिसका नेम है थैंक्स टू गॉड। एंड मैं आया तो संडे को था, लेकिन संडे को मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो आज मैं मंडे को ही वीडियो शूट कर रही हूँ ऑफिस से आने के बाद। स्पेशली ये वीडियो शूट हो रहा है एमिवे के फैंस के लिए, बिकॉज मेरे तीनों ही चैनल पर एमिवे के फैंस के बार बार कॉमेंट आ रहे थे कि एमिवे के वीडियो पर रिएक्शन दीजिए। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी 50% जो जनता है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो एमिवे बंटाई के फैंस हैं। तो इस वजह से भी जरूरी हो जाता है एमिवे बंटाई के सारे ही सॉन्ग से फटाफट से रिएक्शन देना। एंड बाय द वे, हाँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरा न्यू रोस्ट वीडियो भी आ चुका है राजदीप सरदेसाई के ऊपर। एंड आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है उस रोस्ट वीडियो के ऊपर, तो उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह पर जो वीडियो का लिंक है वो पिन कर दूंगी, तो अगर आप चाहे तो वहां से फटाफट से देख सकते हैं वीडियो को जा करके। एंड फिलहाल कर लेते हैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट, फिर करेंगे बाकी की सारी बातें। तो स्टार्ट करें रिएक्शन वीडियो। पसीना गर्मी से। अब मैं अच्छा कर रहा था, अब्बा का काम हो रहा था ठप, पर वो नहीं हार मानेंगे, वो बदल के रहेंगे किस्मत। फिलहाल जो वक्त था वो काफी सख्त था, पैसे उड़ाने से पहले दे रहा हूँ सदका। मुझे रहना है स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है सबका, पता भी नहीं चला अचानक से कैसे टपका। परेशानी छोड़ गया निशानी, ये आज गाना नहीं सुनाने आया हूँ कहानी में। सुबह का वक्त था, अब्बा के सर में दर्द था, रात को सोने से पहले उनके दिल में डर था। मम्मी का कॉल आया, सुबह बोली वो जल्दी घर आ, मैं भाग के जाके देखा अब्बा का हालत बिगड़ता जा रहा था। अंदर का दर्द आज चेहरे पे दिखा रहा था, कहाँ पर लेके जाओ कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसे तैसे करके ले गया उनको अस्पताल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, देखा नहीं था उनका ऐसा हाल। लेके गया उनको एम्बुलेंस में बैठ के, पहचान नहीं रहे थे अब्बा मुझे देख के, मैं देखता ही रह गया। काफी दिन से रोया नहीं था लेकिन उस दिन बह गया, मालिक पे तब भी भरोसा था, मैं उनसे कह गया मन ही मन में, मेरे अब्बा को लौटा दो, उनके सपने को पूरा करने को फिर से एक मौका दो। ठीक कैसे करूं मैं उन्हें रास्ता कोई बता दो, अब्बा को बचा लो। ऐसा लग रहा था अब्बा याददाश्त खो दिए, आईसीयू में देख के उन्हें अम्मी भी रो दिए, पर हार नहीं माने हम, पता था वो लौटेंगे। बुरे ख्याल आ रहे थे लेकिन हम रोकेंगे, चौकेंगे जब देखेंगे भगवान का करिश्मा। मैं टूट रहा था, मुझे लगने लगा सदमा, पर अन्नू बल्लू भाई सुमित मिंटा शबाना दीदी सब साथ थे, फैमिली वालों ने दिया साथ, बोले खुदा साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा सबके साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह All praises to Allah, Almighty God is great, He's the greatest। सबके बीच रह के भी अकेलापन सा महसूस था, स्ट्रेस बढ़ने लगा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर खोया नहीं मैंने खुद को। शैतान सोच में डालने की कोशिश में है, रुको जब झुको और माता ठेको, खुदा के सामने मदद करेंगे तेरी वो खुदा के सामने। पर जो हुआ है उससे मैंने काफी कुछ सीखा है, खुश रहना सीख ले खुद से क्यों रूठा है, अंदर से टूटा है उतना मजबूत होगा जिंदगी में। ऐसा कभी नहीं बोलना कि जिंदगी है मेरी गंदगी में, जो भी होता है सबके पीछे कुछ ना कुछ है वजह। दुखी था मैं तीन दिन लेकिन आज फिर से मजा आने लगा है, अब्बा पूरे ठीक हो गए तेरी रजा है। तकलीफों से लड़के और आगे चला गया मैं, कल टूटा था लेकिन आज बिल्कुल नया मैं लौट आया हूँ तेरे पास, कहा था चला गया मैं। मैं जानता हूँ पब्लिक को सैड नहीं करने के लिए गाना बनाया, मैं ये गाना इसलिए बनाया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सब समझे, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए परेशानी आ जाए, याद रखो दिमाग में ये बात रखो कि खुदा आपके साथ है। हर वक्त शुक्रिया अदा करो, हर वक्त, वो हाथ नहीं छोड़ेगा कभी, तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार बांटो, खुश रहो,
thanks to God. Life is good. Sad. ये सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है गाइस जो कि लफ्जों में बयान नहीं करा जा सकता. उसने इस पूरे सॉन्ग में एक अपने अब्बू की एक कहानी बताई है. वो कहानी मुझे नहीं लगता कि सभी लोग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना खुल के सब लोगों के सामने बात करने की सोचते हैं. मैं तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दिल के अंदर चल रहा है वो मैं बस अपने तक ही रहने देती हूँ. कैमरे के सामने तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि सारी सच्चाइयाँ बाहर आती हैं. बट एक जिगर चाहिए यार. मैं जानती हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ एक कहानी है कि हाँ उसके फादर को ये हुआ. लेकिन जिसकी लाइफ में कभी ऐसा होता है ना, जिसने कभी किसी को खोया होता है या जिसके घर में कभी कुछ ऐसा बीता होता है, वो समझेगा कि वो एक कहानी नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक वो चीज़ बता रहा है जो उसने अपनी ज़िंदगी में झेली है. ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि एमिवे के फैंस हैं, अभी ज़्यादा एज के नहीं हैं, उन लोगों ने शायद इतनी तकलीफ़ें इतने दुख ना देखे हों. बट उस लड़के ने एमिवे से पूछो, जब आपके फादर आपको पहचान नहीं रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके सामने कौन खड़ा है, वो इस हालत में है, तो कैसा लगता है? बिल्कुल हाथ पैर ना कांपने लगते हैं कि क्या करें, अब क्या करें, आगे क्या होगा. लेकिन कहते ना, ऊपर वाला, उसका ऊपर जो भरोसा है वो कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए. वो हमेशा आपके साथ जो भी कर रहा है, किसी ना किसी रीजन के साथ कर रहा है. हर चीज़ के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है. जैसा कि एमयूए ने भी कहा कि हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि हमारी लाइफ बुरी है, लेकिन शायद ऐसा भी होगा कि सामने वाले की लाइफ हमसे ज़्यादा बुरी होगी. जब हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है. वहाँ लोगों को देखो किस तरह से, कितने लोग कितने परेशान हैं, कैसी कैसी लाइफ देख रहे हैं. तो वही एक पूरी कहानी अभी मैंने इस पूरे सॉन्ग में दिखाई है. एंड एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की है सभी फैंस को कि कभी भी ये मत सोचो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और भगवान हमको जो ज़िंदगी दी है बहुत बुरी दी है. उस चीज़ के लिए थैंक करो भगवान को, उस चीज़ के लिए शुक्रिया करो भगवान को जो चीज़ आपके पास है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, कुछ ऐसे मौके होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, खुद से मेहनत करके बनाते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि भगवान हमारे साथ खेलते हैं. कुछ ऐसे, जैसे कि वो बोले ना कि पहले उसके फादर आईसीयू में चले गए थे, इस बुरी कंडीशन में थे, उनकी आँखें नहीं खुली थी, लेकिन आज देखो आज सब कुछ ठीक है, आज वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उनके फादर उनके साथ है, पूरी फैमिली साथ में मिलकर आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है. तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम रहे लाइफ में, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं, नेगेटिव मत सोचो. अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होता भी है. तो बस यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे क्या होना है, आपको नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे क्या होना है. बट हाँ, एक चीज़ लेके हम चल सकते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, अगर बुरा भी होगा तो किसी ना किसी वजह से हो रहा होगा. ऐसे ही कुछ भी चीज़ नहीं होती लाइफ में. एंड उस चीज़ को अच्छा कैसे किया जाए, उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, वो हमारे हाथों में भी है. तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, हर चीज़ से लड़ो, किसी भी चीज़ के आगे झुको नहीं, उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करो. बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है. आप सभी लोग समझदार हो. एमिवे ने इतना कुछ कह ही दिया है अपने फादर के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जिससे वो होकर गुजरे हैं. एंड यार, कुछ कहने को बचा ही नहीं है. मुझे इन टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं. एंड बहुत बार ही ऐसा होता है, बल्कि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं ऐसे सॉन्ग्स पर इमोशनल भी हो जाती हूँ. कई लोगों को ऐसा लगता है कि फेक है, फेक आंसू हैं, फेक ये है. लेकिन जिसके लाइफ में हुआ होता है ना, वही समझ सकता है कि वो क्यों इमोशनल होता है इस चीज़ को लेके. तो ये था गाइस मेरा रिएक्शन इस पूरे सॉन्ग के ऊपर. होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर नहीं भी पसंद आया हो तो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो उसमें इमोशंस दिखाएं एमिवे बंटाई ने उसके लिए. एंड बाकी तो आप सब लोग समझदार हो ही. रोज़ वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. एंड बस इतना ही कहना चाहती हूँ. तो मिलती हूँ गाइस आप लोग को अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.